फाइनेंस कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने लूटे 1,88,000 रुपए। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि अमित पुत्र रामहित निवासी कामा भारत फाइनेंस कंपनी में काम करता है, जो पुरैनी से फाइनेंस की राशि लेकर धौलपुर आ रहा था। तभी रूनकापुरा छोटी लाइन के पास बाइक सवार नकाबपोश चार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि बदमाश फाइनेंस की 1,88,000 रुपए की राशि लेकर फरार हो गए हैं। लूट की सूचना मिलने के बाद धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस ने शहर में चारों तरफ नाकाबंदी करा दी। इसके साथ ही पुलिस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग की गई। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की गई। फिलहाल अभी पुलिस के हाथ बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। रूंद के पास छोटी लाइन के पास से भी सूचना मिली थी कि एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,88,000 रुपये लूट के ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस तो पहुंची तो पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई। फिलहाल घटना की तस्दीक की जा रही है और मुलजिम तलाश जारी। बेटे की चाहत में जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने दी जान। धौलपुर जिले के खरौली गाँव की घटना कई महीनों से था मानसिक रूप से परेशान। धौलपुर जिले के सरमथरा क्षेत्र में खरौली गांव के 38 वर्षीय शिवराम मीना पुत्र रूपचंद मीना ने बुधवार शाम को जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाते समय उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए उसके शव को कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। शव को जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि मृतक युवक के चार लड़कियां हैं। उसे लड़का नहीं होने की वजह से काफी परेशान रहता था। बेटे की चाहत में उसने अपनी पत्नी का भी कई जगह इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि बेटे की चाहत में ही शिवराम मानसिक अवसाद में चल रहा था। मानसिक अवसाद के चलते बुधवार को शिवराम शाम को वापस लौटने की बात कहकर घर से निकल गया। शाम को घर लौटते ही शिवराम की हालत गंभीर हो गई, जिसे परिजन इलाज के लिए सरमथरा अस्पताल ले गए, जहां से जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल धौलपुर में मृत घोषित किए जाने के बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया और सरमथरा पुलिस को मामले की सूचना दी गई। घर से नाराज होकर आई महिला ने मचकुंड सरोवर में लगाई छलांग। लोगों की मदद से पुलिस कर्मियों ने बचाई जान। अपने घर से किसी कारणवश नाराज होकर आई एक बुजुर्ग महिला ने मचकुंड सरोवर धौलपुर में छलांग लगा दी। मचकुंड सरोवर में महिला को डूबते देख आसपास टहल रहे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी सूचना पाकर मचकुंड पुलिस चौकी के दो पुलिस कर्मियों ने सरोवर में उतरकर डूबती महिला को बाहर निकालकर जान बचाई। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र की एक महिला घर से नाराज होकर धौलपुर आई, जो गुस्से में मचकुंड पहुंची, जहां सरोवर में उसने छलांग लगा दी। तभी स्थानीय पुलिस चौकी की सजगता एवं तत्परता ने महिला की जान बचाई। मचकुंड पुलिस चौकी के प्रभारी हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार और कांस्टेबल जयपाल ने सरोवर में डूब रही बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला। इसके बाद सूचना पर पहुंचे उसके प्रभारी जनों को सकुशल सुपुर्द किया। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने महिला के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा एवं सीओ सुरेश शांकला ने दोनों पुलिसकर्मियों के साथ साथ पुलिस का सहयोग करने वाले लोगों के कार्य की सराहना की है। संदिग्ध परिस्थितियों में 26 वर्षीय विवाहिता की मौत। पीहर पक्ष ने उसके पति पर लगाया गाली गलौज व मारपीट का आरोप। धौलपुर जिले में कंचनपुर थाना क्षेत्र के मड़ागुर्जर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की मौत के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। बुधवार देर रात को हुई महिला की मौत के बाद गुरुवार को पीहर पक्ष के लोगों ने महिला के पति पर दहेज के लिए मारपीट करने और गाली गलौज करने के आरोप लगाए हैं। 26 वर्षीय मृतका पवन कुमारी के भाई देशराज ने बताया कि 4 साल पहले उसकी बहन की शादी गडरपुरा के रहने वाले युवक बाबूलाल के साथ हुई थी। करीब 1 साल पहले उसकी बहन ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। शादी के बाद से ही उसका पति दहेज के लिए आए दिन मारपीट करता रहता था। करीब 10 दिन पहले वह अपनी बहन को सावन के महीने में अपने घर ले आया था। बुधवार रात को उसकी बहन अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। फोन पर पति द्वारा दी जा रही लगातार गाली के बाद उसकी बहन अचानक बात करते करते बेहोश हो गई, जिसके बाद पीहर पक्ष के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार सुबह पीहर पक्ष की शिकायत पर कंचनपुर थाना पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना को लेकर पुलिस कारणों की जाँच कर रही है।
निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन, वो भी कीमत से सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा, जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, शहर के बीचों बीच स्थित, महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित माहौल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और अन्य तरह की पार्टी करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला सर्स पार्लर, जहां परिवार के साथ आराम से बैठकर ले स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। सभी व्यंजन शुद्ध और भरोसेमंद सर्स घी एवं मक्खन से निर्मित। हमारे यहां समोसा, कचौरी, पनीर पकौड़े, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राइड, सैंडविच, चाउमीन, डोसा, पाव भाजी, इडली, पानी की टिक्की, सॉफ्टी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, सभी प्रकार के पराठे, सरस का दूध, लस्सी, छाछ, मक्खन आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। फैमिली के लिए एसी हॉल की व्यवस्था। एक बार परिवार के साथ जरूर पधारिए और लीजिए सरस पार्लर के स्वादिष्ट एवं शुद्ध व्यंजनों का आनंद। पता कैंथ्री रिसोर्ट के बगल से, जीटी रोड, धौलपुर। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना से महिलाएं बनेंगी स्मार्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का हुआ भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जनता से किए गए प्रत्येक वादे को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले निरंतर इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में नंबर वन है। अब इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना आईटी क्षेत्र में क्रांति के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनेगी। योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा। गहलोत गुरुवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एवं लाभार्थी महिलाओं छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैंडबुक, सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल का विमोचन भी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। योजना के अंतर्गत चिरंजीव परिवारों की 1,35,00,000 महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रथम चरण में 40,00,000 महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाने की गुरुवार से शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50% वादे पूरे कर लिए गए हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से राज्य सरकार अपना एक और वादा पूरा कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6,800 रुपये लाभार्थियों को DBT किए जा रहे हैं तथा प्रारंभ में 20 GB डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिप का संकट होने से मोबाइल बनना बंद हो गया था, जिसके चलते योजना को क्रियान्वित करने में कुछ देरी हुई। अब शिविर में महिलाओं को बिना किसी परेशानी के ससम्मान स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही कैंप में मोबाइल चलाने की भी जानकारी दी जाएगी। लाभार्थियों को 3 साल तक निःशुल्क इंटरनेट डेटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के दूसरे चरण में 80,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश में आईटी क्रांति का सपना देखा था, जो आज साकार हो रहा है। आज राजस्थान आईटी के क्षेत्र में नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। नॉलेज इज पावर की थीम पर यह योजना बनाई गई है। स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाओं की कल्याणकारी योजना तक पहुँच एवं जुड़ाव सुनिश्चित हो सकेंगे। वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ साथ और महिलाओं को जागरूक कर समाज सेवा भी कर सकेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर बने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन कैंप का भी अवलोकन किया तथा पंजीकरण एवं स्मार्टफोन वितरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इसी क्रम में धौलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने हेतु प्रयासरत है। स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाएं डिजिटल साक्षर हो सकेंगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, DCC जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, दुर्गा दत्त शास्त्री सहित अन्य उपस्थित रहे। रविवार को धौलपुर आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, मस्तिष्क रीढ़ एवं नशरोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर, इस बार 13 अगस्त रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे।
अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351897799 और 9785747415 पर कॉल करें। ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर नर्सेज ने निकाली पैदल रैली, कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करते हुए सौंपा ज्ञापन। प्रांतीय आह्वान पर धौलपुर जिले की नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति ने धरना स्थल जिला अस्पताल धौलपुर से कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकालकर गहलोत सरकार को अपनी मांगों के लिए चेताया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार के विरोध में नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के जिला संयोजक हरिशंकर शर्मा और अमृतलाल द्रोण ने बताया कि रैली सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मुकेश शर्मा, विरोध चौधरी, मोहर सिंह मीणा और रमेश अग्रवाल के नेतृत्व में निकाली गई। संघर्ष समिति के सदस्य रविंद्र त्यागी, पंकज मुदगल, राजवीर, फूल सिंह मीणा आदि ने बताया कि राजस्थान में नर्सेज को बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में ही मूल वेतन 7100 से 22700 प्रतिमाह कम मिल रहा है। वहीं हाल ही बजट घोषणा 2023 में घोषित नए ACP नियमों से राज्य की अन्य समकक्ष संवर्गों से भी नर्सेज को 2 से 3 पे स्टेप कम वेतन जैसी उत्पन्न हुई विसंगति तथा मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालयों में सफाई कर्मियों से भी कम 7900 प्रतिमाह वेतन नर्सिंग संवर्ग का असहनीय अपमान है। अजय पुनिया, हरेंद्र सिंह तोमर, सुरेश लोधा, ब्रजेश पिंगल, जगदीश मान, सुरेंद्र मीणा, प्रहलाद गुर्जर आदि ने कहा कि नर्सिंग के आर्थिक नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जितेंद्र कुमार, धर्मेंद्र सेन, लोकेश तिवारी, उदय मीणा और सुशील बघेला ने बताया कि नर्सिंग भत्ता, वर्दी भत्ता, संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज के संविदा सेवा काल की नोशनल गणना, नर्सिंग ट्यूटर एवं ANM वर्ग का पदनाम परिवर्तन, ठेका प्रथा से भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध तथा समस्त संविदा नर्सेज का नियमितकरण, स्वतंत्र नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, ड्रेस कोड में परिवर्तन करना आदि 11 सूत्री मांगे लंबित है। संघर्ष समिति के युवा लीडर गजेंद्र यादव, भूपेंद्र गोस्वामी, सोमवीर, राजीव शर्मा, रमाकांत त्यागी आदि ने कहा कि नर्सेज की मांगों का 4.5 वर्ष के इंतजार के बाद भी आज तक समाधान नहीं हो सका। अंत में राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रभात शर्मा, संरक्षक रामकिशोर पाठक, दाताराम गुर्जर, रामकुमार शर्मा आदि कर्मचारियों ने संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। नर्सेज ने अपनी 11 सूत्री मांगों का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। इस दौरान ट्रेनिंग सेंटर नीलम, अल्पना सेंगर, कैलाशीलाल, कोमल सिंह गुर्जर, कृष्ण मुरारी गुर्जर, मुकेश शर्मा, अमर सिंह त्यागी, अशोक तोमर, निरोतीलाल कुशवाहा आदि मौजूद रहे। कोरोना वॉरियर्स का राज्य सरकार के द्वारा खिताब दिया जा चुका है, वहीं आज नर्सेज अपनी लंबित मांग पत्र को लेकर सड़कों पर विचलित हैं और उनके खिलाफ गांधीवाद तरीके से काफी दिनों से आंदोलन रत में है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण आज नर्सेज में भारी रोष व्याप्त है और इसी को लेकर हम 23 अगस्त को विशाल एक रैली जयपुर में आयोजित करेंगे, सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मैं इस मीडियम के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, समय रहते हुए अगर इन समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो आप आने वाली सरकार ये सोच ले कि मैं दोबारा किस तरह आ पाऊंगी। हमारे कर्मचारी डबल शक्ति रखते हैं, हम सपोर्टर भी हैं और वोटर भी हैं। राज्य सरकार हमारी 11 सूत्री मांग पत्र पर किसी भी तरह कोई भी मनसा जाहिर न करके नजरअंदाज करती आ रही है। इस एवज में हमारे कर्मचारियों ने पूरी नर्सें जिसने कोरोना काल में अपने पूरे जान पर खेलकर सेवाएं दी थी, आज वही नर्सेज इस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आई है, जिसमें प्रत्येक जिला स्तर पर एक रैली निकालकर और करीब 24 तारीख को कैंडल मार्च के बाद और 23 तारीख को सामूहिक अवकाश पर राजस्थान जयपुर में सभी राजस्थान से करीब हजारों नर्स कर्मियों का भूज है, जिसमें मरीजों को अन्य प्रशासन को जो भी समस्याएं आती हैं उसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार जयपुर की होगी। बच्चों को अंग्रेजी में नहीं, हमें तो हिंदी माध्यम स्कूल में ही पढ़ाना है, ग्रामीण। आक्रोश जताते हुए ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। रूनकापरा स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत होने का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सदर थाना क्षेत्र के रूनकापरा गांव स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में बदले जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया।
ग्रामीणों द्वारा विद्यालय के 1 से 5 कक्षा तक के छात्रों को टीसी काटे जाने की बात पर यह विरोध किया गया और स्कूल के मुख्य गेट को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा और सदर पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया गया। गाँव रूनकापरा के पूर्व सरपंच करोड़ीलाल कुशवाहा सहित हरनाम कुशवाहा, धर्मवीर, पवन कुमार एवं अन्य ने बताया कि गाँव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को वर्तमान सत्र में अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक अभी अंग्रेजी की कक्षाएं चलेंगी, बाद में सभी कक्षाएं अंग्रेजी में बदल दी जाएंगी। ऐसे में गांव के करीब 200 बच्चे जो वर्तमान में 1 से 5 कक्षा में अध्ययनरत हैं, जिनकी स्कूल प्रशासन टीसी काटकर दूसरे स्कूल में भेज रहा है। ग्रामीणों का विरोध है कि उनके 1 से 5 तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ऐसे में बिना ग्रामीणों की सहमति के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में बदला गया है। इसी के चलते आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा विद्यालय के मुख्य गेट को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चे हिंदी माध्यम में ही अध्ययन करना चाहते हैं। दूसरी ओर गांव के आसपास और कोई दूसरा हिंदी माध्यम विद्यालय नहीं है। करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर होलाशीपुरा गांव में जो स्कूल है, उसके लिए हाईवे की सड़क को क्रॉस करना होगा, जो ग्रामीण नहीं चाहते हैं। वहीं बाड़ी उपखंड मुख्यालय गाँव से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल पर विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बसेड़ी के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा गांव पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश की गई। सीवीईओ राजेंद्र मीणा का कहना है कि ग्रामीणों का जो विरोध है, उसको लेकर उनकी लिखित शिकायत ली गई है, जिसे उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा, जहां से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। समस्या ये है सर कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 से 5 तक पढ़ गए हैं और छोटे वाले बड़े वाले ना जानते हैं, और इसको इंग्लिश मीडियम या अध्यापकों ने मिलकर कुछ 2-4 और अन्यथा आदमी ने इसको इंग्लिश मीडियम करा दिया गया है। और यूँ कह रहे हैं बच्चों से कि आप यहाँ से टीसी कटा कर और स्कूल में जाइए, जबकि आगे हाईवे रोड पड़ता है, बच्चे बाड़ी 3 किलोमीटर पड़ती है, बच्चे कहाँ जाए छोटे छोटे, और पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, नाम मात्र को नहीं। यहाँ छोटा बड़ा अगर 5-6वें का लड़का छोटा लगवा दें तो मेरी गारंटी है, और कहते हैं तो दादागिरी करते हैं। एक समय अनार सिंह मास्टर जो मीणा है जाति से है, वो जो कहता है काशियों को मैं पढ़ा दूंगा तो फिर कत्ल कौन भरेगा, ये कलेक्टर बनाए वो कहते, ये ऐसे बोलता है ये अध्यापक, इसको इंतारण कराया जाए अभी, और स्कूल को ये इंग्लिश मीडियम से वही हिंदी में कराया जाए। क्या नाम आपका? किरोड़ी लाल, पूर्व सरपंच, यहीं का रहने वाला हूँ जी। अधिकारी आज ही हमने मालूम पड़ी है कि इंग्लिश मीडियम कराया था, जिन बच्चों को निकाला स्कूल से, जब ही मालूम पड़ी है कि बच्चे आप क्यों निकले आए स्कूल से, कि हम छुट्टी कर दी है, ये टीसी काट के देखो ये टीसी। हम ये कहेंगे कि जो गांव के लोगों ने अगर इंग्लिश मीडियम रूपांतर स्कूल हुआ है, अपनी जो उनको मांग रख रहे हैं, उस मांग को लेकर के हम उच्च अधिकारियों को भेज करेंगे कि गाँव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो दूर पढ़ना नहीं चाहते। हालांकि राज्य सरकार की बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबल योजना है, अभी जो क्या है कक्षा 1 से 5 का इसमें संचालन होगा और बाकी क्लासें मतलब पहले निर्भर रूप से चलती आ रही ऐसे चलती रहेंगी, और इनका जो स्टाफ है इंग्लिश मीडियम वालों का वो भी लगाया जा रहा है। मतलब गांव के लोग अगर नहीं चाहते तो उनका जो भी मतलब विरोध है उसको हम लिखित में लेकर के और वो चिंता ग्रस्त कर देंगे। अगर संचालन करना चाहता है राज्य सरकार ने निर्णय लिया है रूपांतर करने का, राज्य सरकार ही उसका वो बदलेगी अगर चाहे तो। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक, तो पेश है वाटर वीव टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीव टैंक, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार, ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर, साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 7976947914 या 8696382959 पर वाटर वी टैंक। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन, शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, 1 से 1 सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं।
बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध, शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। खेलों के दौरान भिड़े दो शिक्षक, पहुंची पुलिस। धौलपुर जिले के बसई सामंता स्कूल की घटना। जब शिक्षक की अनुशासनहीनता करेंगे तो अपना भविष्य देखने वाले बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। शिक्षकों के ऐसे रवैये से बच्चों की मानसिकता ही बदल जाएगी। ऐसी एक घटना धौलपुर जिले के राजकीय विद्यालय बसई सामंता में देखने को मिली, जहां ओलंपिक खेलों के दौरान दो शिक्षक आपस में झगड़ने लगे, जिससे खेलों में रुकावट पैदा हुई और बच्चे मायूस हो गए। दोनों शिक्षकों में झगड़ा बढ़ता देख सूचना पर धौलपुर शहर के सदर थाना प्रभारी शिवदास अपने पुलिस जाब्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार बसई सामंता स्कूल के खेल मैदान पर शारीरिक शिक्षक दीपचंद मित्तल निर्णायक के रूप में खेलों के दौरान अपना निर्णय दे रहे थे। इसी दौरान खेल मैदान पर भिलगमा स्कूल में कार्यरत विशेष शिक्षक रजनीश आए और अपने हिसाब से निर्णय देने लगे, जिससे खिलाड़ियों के बीच चीटिंग होने लगी, जिसका विरोध करने पर शिक्षक रजनीश ने खेल निर्णायक दीपचंद से झगड़ना शुरू कर दिया और खेल मैदान पर पड़े डंडे से मारपीट पर उतारू हो गए, जिससे खेल मैदान का माहौल तनावपूर्ण हो गया और बच्चे इधर उधर भागने लगे। तभी सूचना पाकर धौलपुर सदर थाना प्रभारी शिवदास मैं जाब्ते के पहुंचे और बातचीत करते हुए मामले को शांत कराया। पुलिस की उपस्थिति में ही फिर से खेल शुरू किए गए। मामले में थाना प्रभारी शिवदास का कहना है कि जब तक किसी की तरफ से कोई शिकायत या FIR नहीं कराई जाएगी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब शिक्षक ही अनुशासनहीन होंगे तो विद्यार्थियों को कैसे अनुशासित करेगा। बसई सामंता के स्कूल में घटित यह घटना एक शिक्षक की अनुशासनहीनता का ही उदाहरण है। मैं दीपचंद मित्तल, शारीरिक शिक्षक, मुझे बसई सामंता लगाया गया है राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक 2023 के निर्णायक के रूप में। मैं यहाँ शांतिपूर्वक और निष्पक्ष यहाँ मैचें करा रहा था और उसमें रजनीश जी विशेष शिक्षक बिलगमा में लगे हुए हैं, वो विघ्न डाल रहे थे और विघ्न डालते हुए मेरे ऊपर डंडा उठाया, कुर्सी का आक्रमण किया और छोटी मोटी चीज़ें पेपर वेट वगैरह पड़े थे उनका आक्रमण किया मेरे ऊपर और पूरे स्टाफ ने प्रिंसिपल साहब ने उठा करके इनका बचाव किया। जब भी माने कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे तुझे ही देखना है, कि मैं कह रहा हूँ जैसे मैच क्यों नहीं करा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक आध दो लड़के फर्जी खेल जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस तरीके यहाँ अभद्र व्यवहार करवाया, आपस में गाँव वालों में लड़ाई कराने की कोशिश की। इतना मिली कहे कमान से कि मतलब ग्राम सामंता स्कूल में आप खेल के दौरान मतलब आपस में झगड़ा होने की सूचना है। उस झगड़ा सूचना पर मैं मौके पर आया। हमारे आने आते से मौके पर कोई मतलब व्यवस्था नहीं थी कि कोई झगड़ा हो रहा है। पहले इन्होंने तो झगड़ा साथ था, जैसे भी ये देंगे रिपोर्ट देंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। बैरागी जन कल्याण बोर्ड गठन की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सहयोग से धौलपुर जिला इकाई द्वारा जिला अध्यक्ष कौशल किशोर वैष्णव की अध्यक्षता में वैष्णव जन कल्याण बोर्ड बनाने की मांग को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया है कि वैष्णव बैरागी समुदाय सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए संघर्षरत हैं। प्रदेश में 25 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर भी कोई समाज कल्याण बोर्ड नहीं है, इसलिए समाज कल्याण बोर्ड बनने से सामाजिक स्थिति के सुधार को बल मिलेगा। ज्ञापन सौंपते समय भरतपुर संभाग अध्यक्ष ओमबाबू शर्मा, धौलपुर जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश वैष्णव, जिला जनगणना प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश तिवारी, सचिव अनिल वैष्णव, राजाखेड़ा तहसील अध्यक्ष दाताराम शर्मा, मनिया तहसील अध्यक्ष मातादीन बैरागी आदि मौजूद रहे। विधायक बोहरा ने वैष्णव समाज के लिए बोर्ड बनाने की मांग को राजस्थान सरकार के समक्ष रखने एवं त्वरित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया। अपना घर बाड़ी में चार प्रभुजनों का मनाया जन्मदिन। धौलपुर जिले के अपना घर आश्रम बाड़ी में अपना घर सेवा समिति महिला एवं पुरुष इकाई बाड़ी तथा अपना घर आश्रम समिति सदस्यों की ओर से चार प्रभुजनों का जन्म दिवस बड़े उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रभुजनों का जन्मोत्सव प्रभु जी जिस दिवस को आश्रम में प्रवेश लेते हैं उस प्रवेश दिवस को ही जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपना घर की अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने बताया कि प्रभुजनों की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। इस प्रकार के कार्यक्रम से हमें वास्तव में ही आंतरिक रूप से खुशी की अनुभूति होती है। इसके साथ ही अपना घर आश्रम बाड़ी में आवासित सबू प्रभुजनों के जन्म दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अपना घर के संस्थापक सुनील गर्ग, कंपनी परिवार अध्यक्ष कमलेश गर्ग, सचिव उषा मित्तल, उपाध्यक्ष मनोज मोदी, वित्त सचिव विनोद गोयल, अपना घर सेवा समिति पुरुष इकाई अध्यक्ष मुनीश बंसल मेडिकल वाले, महिला इकाई अध्यक्ष विमला गर्ग, कोषाध्यक्ष आशा बंसल,
प्रिंसी गर्ग, विमला मित्तल, मीरा बंसल, रोशनी सिवहरे, बिरमा देवी, रामनिवास गर्ग बागत्थर वाले, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, विष्णु महेरे, बंटू नादनपुर वाले, ऋषि डायमंड वाले, हरिओम गर्ग, अनिल मंगल आदि मौजूद रहे। आरटीई किस्त के भुगतान को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा राजस्थान इकाई बसेड़ी के निजी स्कूल संचालकों द्वारा आरटीई किस्त के भुगतान को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि प्रदेश के 35,000 गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं टाइम फ्रेम के अनुसार 25% बच्चों को निःशुल्क अध्ययन करवाया जाता है, जिसका फीस पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ने अप्रैल 2023 में इसके लिए बजट जारी कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गैर सरकारी विद्यालयों का आज तक भुगतान नहीं हुआ है। नियम अनुसार संचालक अभिभावकों से फीस नहीं ले सकते और विभाग इसका भुगतान नहीं कर रहा है। इससे प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालय आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में कई बार सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस संबंध में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा बजट जारी कर दिए जाने के बावजूद भुगतान नहीं हो रहा है। ज्ञापन में अतिशीघ्र भुगतान करवाकर गैर सरकारी स्कूलों को राहत प्रदान करने की मांग की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष जेपी शर्मा आदि मौजूद रहे। पापा, इतनी गर्मी में कैसे होगी पढ़ाई? फिर मत बोलना अच्छे नंबर लाना। क्या करें बेटा, गर्मियों में फिर से शुरू हो गया ये पावर कट का ड्रामा। सिर्फ हमारी तो नहीं गई, जरा बगल में झांक के आना। लगता सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है, बिजली नहीं आई तो क्या करें इस मेरे एग्जाम में। अरे रमेश भाई, बिजली यहाँ भी नहीं है। मेरी मानो, ये सब चक्कर छोड़ो, आप ईस्टमैन का होम यूपीएस घर ले आओ। बिजली जाने का डर छुमंतर। जैसे ही ईस्टमैन होम यूपीएस घर के अंदर। सही है। ईस्टमैन, बेटर परफॉर्मेंस टुगेदर, जो देता है 36 महीने की वारंटी साइनो होम्स यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरोटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, धौलपुर और मनिया। पता: बूंदे खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध बिना किसी ब्याज दर के। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रूपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रूपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा धौलपुर, सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। धरती पर धर्म की स्थापना करने भगवान लेते हैं अवतार, नरेंद्र वशिष्ठ। धौलपुर जिले में बिपरपुर ग्राम पंचायत के गांव कल्याणपुर में कुंज गिर बाबा के आश्रम पर चल रही भागवत कथा में वृंदावन के कथावाचार्य नरेंद्र वशिष्ठ ने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार समाप्त हो जाते हैं। वहीं कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा का आयोजन करने तथा सुनने से अनेक लाभ हैं। इसे आयोजित कराने तथा सुनने वाले व्यक्तियों, परिवारों के पूर्वजों को शांति और मुक्ति मिलती है। भागवत कथा से जहाँ भक्ति भाव पैदा होता है, वहीं ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दौरान परीक्षक महाराज बाबा बालकदास से सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। क्रिकेट मैच नहीं कराने पर कलेक्टर से की शिकायत। खिलाड़ियों ने स्कूल प्रिंसिपल पर लगाया भेदभाव करने का आरोप।
वर्तमान में चल रहे ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के तहत क्रिकेट मैच नहीं कराने पर खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल से ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की है। खिलाड़ियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खिलाड़ियों ने धौलपुर जिले के गढ़ी जखोदा स्कूल के प्रिंसिपल पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में खिलाड़ियों ने बताया कि बिजौली पंचायत के गढ़ी जखोदा गांव की क्रिकेट टीम का ग्रामीण ओलंपिक में 6 अगस्त को मैच होना था। क्रिकेट मैच खेलने गए तो बिजौली स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र शर्मा ने मना कर दिया। प्रिंसिपल ने उनके गांव की क्रिकेट टीम के पोर्टल पर ना होने का हवाला देते हुए वापस लौटा दिया, जबकि गांव की क्रिकेट टीम की पोर्टल आईडी पहले से ही बनी हुई थी। खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उनकी टीम का मैच कराया जाए, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिल सके। खेलों ने छुपी प्रतिभाओं को तराशने का किया है काम उत्तम चंद। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शर्मथुरा में गुरुवार को शहरी ओलंपिक खेलों का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। विगत 8 दिवसों से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में कड़े संघर्ष से जीतकर चुनी गई टीमों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अध्यक्ष तहसीलदार उत्तम चंद रहे। इस अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की एक विशिष्ट योजना है, जिसमें छुपी प्रतिभाओं को तराशने का काम किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को मंगल कामनाएं देते हुए उन्हें जिले और राज्य पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन खेलों के जरिए शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ देश प्रदेश में सामाजिक सौहार्द की भावना बढ़ती है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में खिलाड़ियों को और उपस्थित सभी नागरिकों को छात्र छात्राओं को जानकारी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्र छात्राओं को अपनी ओर से पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रामकेश मीणा, नगरपालिका अधिशासी अभियंता दीपक गोयल, विकास अधिकारी राजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। अवैध देसी शराब के 90 पौओं के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र में गुरुवार को चौकी प्रभारी राजवीर मीणा की ओर से कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को अवैध शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान को लेकर कार्रवाई की है। बसई नवाब चौकी प्रभारी राजवीर मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जारौली पुलिया के समीप घेराबंदी की गई। इस दौरान राजेश पुत्र महेश चंद्र लोधा निवासी जारौली को अवैध रूप से शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी शराब के 90 पौए जब्त किए हैं। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। पचगांव स्कूल में खेलों का धूमधाम से किया समापन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन ग्राम पंचायत पचगांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी जीतू मुद्गल रहे और अध्यक्षता सरपंच विक्रम सिंह ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय उदयनिया और पंचायत समिति सदस्य अवधेश कुमार रहे। कार्यवाहक प्रधानाचार्य विनीता शर्मा और अरविंद शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता के संयोजक दुर्ग सिंह परमार व रविन्द्र सारस्वत ने बताया कि कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल तथा रस्सा कसी की विजेता टीमों को पुरस्कार स्वरूप मेडल तथा शील्ड सहित प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि जीतू मुद्गल ने विजेताओं के लिए 11,000 रुपए के पुरस्कार दिए। सड़क के गड्ढे में बाइक फिसलने से पिता और पुत्री हुए घायल। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के डांग में स्थित बाबू महाराज के दर्शन करने लौट रहे पिता और पुत्री सड़क गड्ढे में बाइक स्लिप होने से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव निवासी 45 वर्षीय सीताराम पुत्र निहाल सिंह अपनी 10 वर्षीय बेटी अमृता को लेकर बाबू महाराज के दर्शन करने बुधवार की शाम गया था, जहां से वापसी में लौटते समय थोड़ी देर हो गई। ऐसे में रात्रि करीब 9 बजे जब वे खानपुरा गांव के पास पहुंचे तो सड़क पर बने गड्ढे को बचाने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई और घायल हो गई। आपको बता दें कि धौलपुर से करौली को जाने वाले नेशनल हाईवे 11B पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। हाईवे की सड़क भी बदहाल अवस्था में है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।